कुछ दिन पहले मेरे पुराने सहयोगी रहे हुए, साथी रहे हुए संसद में, और वर्षों से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ को संगठित करने वाले श्याम बिहारी जी से मिलने आए और कहा कि जंतर मंतर पर व्यापारियों का एक धरना होने वाला है, संसद का अधिवेशन चल रहा होगा, लेकिन तब भी अगर आप थोड़ी देर आए और आकर के उस धरने को देखें, उनको दो चार शब्द कहें तो बहुत खुशी होगी। मैंने कहा मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस धरने को देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में, और केवल दिल्ली से नहीं, दिल्ली के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी आपको संबोधित किया, लेकिन अनेक प्रदेशों से आए हुए व्यापारियों को और उनको संगठित करने वाले और एक युद्ध का ऐलान करने वाले श्याम बिहारी जी, घनश्याम जी और उनके बाकी सब साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आया तो उस समय हमारे विजय गोयल जी जो पार्टी के महासचिव हैं वो भाषण दे रहे थे, और सहज रूप में उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारियों को कहते हैं चोर है, ये भी एक तरीका है, लेकिन मैंने वो समय देखा है जब यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज राज करते थे। मैं उस समय विद्यार्थी था, मैं कराची में था, 20 वर्ष की आयु तक मैं वहीं रहा हूँ, और 20 वर्ष की आयु में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ, तब वहाँ पर कितने बहुत सारे लोग थे, उनके परिवारों को वहाँ से इस ओर आना पड़ा, और तब मैं इस ओर आया था। मुझे याद है 47 से पहले एक बार मैं 46 में नागपुर गया था, और नागपुर जाते हुए जो रेलवे जाती है जिसको आज सेंट्रल रेलवे कहते हैं, उस समय उसका नाम था GIP रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये उन दिनों की बात है, 46 की, अर्थात अंग्रेज के शासन की। और मुझे एक अनुभव हुआ जिसका मैं उल्लेख तब भी करता था और आज फिर से कर रहा हूं, विजय जी की इस बात को सुनकर के चोर है व्यापारी ऐसा कहते हैं। उस समय अंग्रेज राज करता था तो वो क्या मानता था, इसका उदाहरण दूंगा। रेलवे के कंपार्टमेंट में मैं बैठा और वहां पर जितनी चीजें थी, अंदर लैट्रिन में जाओ तो वहां पर नलके लगे हुए, वहां पर कांच लगा हुआ, सब पर GIP नहीं लिखा था, GIP रेलवे का नाम था तो GIP लिखते तो ठीक रहता, लेकिन लिखा हुआ था सब पर, यहां तक ये छोटी छोटी चीजों पर भी स्टोलिन फ्रॉम द GIP से चुराया हुआ। मैं तब से लेकर के लगातार कहता हूं कि जिस प्रकार से अंग्रेज सब भारतीयों को चोर मानते थे और कहते थे कि चोर होते हैं, और इसीलिए अपनी हर चीज को जो सरकारी हो उस पर लिखते थे, जिस मानो किसी गेस्ट हाउस का उनके पास है तो उस गेस्ट हाउस का नाम लिखेंगे और स्टोलन फ्रॉम द गेस्ट हाउस, कहते स्टोलन फ्रॉम द GIP। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में हर एक भारतवासी
कोई भी व्यवसाय करता हो तो वो मानना चाहिए वो देश की सेवा कर रहा है, ईमानदारी से करता है तो देश की सेवा कर रहा है। और व्यापारी जो है वो अगर सेवा न करता हो तो कितनी लोगों को दिक्कत हो इसका अनुमान कोई भी कर सकता है। और खास करके दूर दराज में रहने वाले लोग वो कहां से करेंगे, क्या करेंगे? क्या यह सरकार चाहती है कि केवल मात्र ये बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर जो बड़े बड़े उद्योगपति व्यवस्था करते हैं मॉल की इसकी उसकी, या विदेशी लोग आकर के वॉलमार्ट जैसे मॉल चलाए उसी के आधार पर देश की सेवा होगी? कौन कर सकेगा? हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति समझता है कि छोटे व्यापारी रिटेल ट्रेडर को छोड़ करके भारत की व्यवस्था चल नहीं सकती सही रूप से। हर एक समझता है, विदेशी नहीं समझता। और विदेशी जब कहता है कि आपसे एग्रीमेंट हुआ था कि आप रिफॉर्म करेंगे, आप सुधार करेंगे अपनी आर्थिक व्यवस्था में, तो सुधार का एक प्रमुख मुद्दा है कि आप रिटेल ट्रेड में भी एफडीआई परमिट करेंगे, विदेशी को रिटेल ट्रेड में आने देंगे। यहां पर हर एक स्थान पर वॉलमार्ट होना चाहिए। लेकिन इस सरकार को पता है कि जब वो प्रस्ताव लेकर के आए थे आज से कुछ समय पहले संसद में, सब दलों ने विरोध किया और कहा कि नहीं होगा। और तब उन्होंने उस समय आश्वासन दिया कि हम एफडीआई रिटेल ट्रेड लाएंगे, उससे पहले प्रधानमंत्री आपसे फिर से बात करेगा, आपसे फिर से बात करेगा। और आपसे ही नहीं लेकिन जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं अर्थात व्यापारियों के प्रतिनिधियों से भी हम बात करेंगे। आज तक बात नहीं किए और अपने ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी घोषणा कर देते हैं कि देश का भला है इसमें, बहुत बड़ा भला है, बात करके देखें। इस सरकार का मैं कभी कभी सोचता हूं कि कुछ सत्ता में आए हैं तो उसके कारण सत्ता में जो अहंकार है वो चढ़ गया है, नहीं तो ऐसा रवैया नहीं अपनाते। मैं आपको कहने आया हूं कि एफडीआई रिटेल ट्रेड के खिलाफ आपने जो संघर्ष करने का फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला है। मैं पहले सोच रहा था कि मुझे ये तलवार क्यों पकड़वा रहे हैं और तलवार निकालने का आग्रह क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब संघर्ष का ऐलान हो रहा था और जिस उत्साह से आपने ये धरना किया है, जिस उत्साह से आपने सारे नारों का प्रत्युत्तर दिया जिस प्रकार से, उसको देख करके मुझे लगा कि हमारा व्यापारी समाज का व्यक्ति, और मैं व्यापारी समाज को कहूंगा कि मैंने भारतीय जनसंघ बना 1951 में, डॉक्टर मुखर्जी ने बनाया। और डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ बनाया तब से लेकर के चलते चलते 1980 में इसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हैं। मैंने इस पार्टी को एक शैशव काल से जन्म लेकर के बढ़ते हुए देखा है और वहां तक पहुंचते हुए देखा है कि देश में 6 साल तक वाजपेयी जी का शासन था, जिस शासन को लोग याद करते हैं किस प्रकार से भारत की सेवा की। और वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझे याद आता है कि शैशव काल में हमारी ताकत प्रमुख रूप से कहां से आई, या तो व्यापारी से आई या कर्मचारी से आई या कुछ मात्रा में विद्यार्थियों से आई। उस समय हमारे पास युवा मोर्चा नहीं होता था लेकिन युवक होते थे, युवक इतने ज्यादा थे कि हम ढूंढते थे। मुझे याद है मैं राजस्थान में था तो कोटा में था तो कोटा में भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष कौन हो, बनाने के लिए बुजुर्ग कौन कौन हो सकता है,
सम्मानित बुजुर्ग कौन है, तो एक सज्जन का नाम लिया जो आर्य समाज के अध्यक्ष थे। मैं उनसे मिलने गया और उनको कहा कि आप हमारे अध्यक्ष भी बन जाइए। भारतीय जनसंघ जी का वो तो राजनीतिक पार्टी है। मैंने कहा तो आप आर्य समाज के जो विचार है, सिद्धांत है, उनसे कोई टकराव नहीं है। आप आर्य समाज में रहे, अध्यक्ष रहे, लेकिन आप हमारे अध्यक्ष भी बन जाइए। और वो मान गए। लेकिन मुझे याद है इसलिए कि भाई हम ढूंढते थे कि हमारे हमारी पार्टी जिसमें अधिकांश युवक है, 25 साल के, कुछ बुजुर्ग होना चाहिए जिसको हम अध्यक्ष बनाए, और बनाए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज जिस स्थान पर पहुंचे हैं हम, इतनी बड़ी पार्टी है देशव्यापी, जिसका सम्मान सारी दुनिया भी करती है, उस स्थान पर पहुंचने में जिन वर्गों ने हमारा साथ दिया शैशव काल में, उनमें प्रमुख व्यापारी थे, कर्मचारी थे, विद्यार्थी थे, युवक थे, और उन्होंने किया और हम पहुंच गए यहाँ पर। और इसीलिए आज जब मुझे श्याम बिहारी जी ने कहा कि आप आइए, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, और कोई नहीं तो आपको बधाई देने के लिए आऊंगा और आपको अभिनंदन करने के लिए आऊंगा कि किसी सूरत में इस FTIN-BTL के साथ समझौता नहीं होगा और हम उसके साथ संघर्ष करेंगे और हम उसके साथ संघर्ष करके सरकार को मजबूर करेंगे। अभी आसाम में घटनाएं हुई, किसी घटना और किसी समस्या के रूप को समझने की बात होती है। मैं जब वहां पर गया तो मुझे बताया गया कि वहां पर जो आदिवासी बोडो है, उन बोडो को मारा जा रहा है, उनका संघर्ष हो रहा है। संघर्ष करने वाले कौन है? और उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। मैंने जाते ही पहली बात कही कि इस बात को पहचानिए कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या है? किसी दूसरे ने कहा कि ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल है, आदिवासी हैं और गैर आदिवासी हैं, उनके बीच में झगड़ा है। मैंने कहा ये भी बात सही नहीं है, ये सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है और ये जिसको कहते हैं जातिगत झगड़ा भी नहीं है। ये झगड़ा मूलतः भारतवासी का और विदेशी का है। इस तथ्य को पहचानो, भारतवासी जो भारत मूल का है और दूसरा पड़ोस से आया हुआ हो, घुसपैठ करके आया हुआ विदेशी, उसके साथ झगड़ा है। इस स्वरूप को पहचानो। लोगों को समझ में आया धीरे धीरे करके। और कैसी विडंबना है कि हमने तो कहा कि इस समस्या का हल यह है कि जो बांग्लादेशी देश से घुसपैठ करके यहां पर आया है उसको बांग्लादेश वापस भेज दो। ये हमने कहा समस्या का हल है। उसकी बजाय ऐसी स्थिति पैदा की सरकार ने, ऐसा रिस्पॉन्स दिया उस समस्या को कि बांग्लादेशी बांग्लादेश नहीं गए, भारत में रहने वाले, कोई आसाम का रहने वाला, कोई मणिपुर का रहने वाला, कोई अरुणाचल का रहने वाला, कोई नागालैंड का रहने वाला, उसको जिन जिन स्थानों पर रहते थे हिंदुस्तान भर में, उनसे वापस अपने अपने नॉर्थ भेज रहे हैं। क्या तरीका है? कैसी विडंबना है? कैसी विकृति है? समस्या का जो हल होना चाहिए वो क्योंकि समस्या के स्वरूप को नहीं समझते, इसीलिए ऐसे विकृत परिणाम आते हैं। मैं यही कहने वाला आया हूं आपको कि आज हिंदुस्तान का व्यापारी जिस प्रकार से देश की सेवा कर रहा है, उसके सेवा करने के काम में कोई बाधा ना आए, इस दृष्टि से इस बात को पहचानना चाहिए कि रिटेल ट्रेड में FDI परमिट करना और वॉलमार्ट को यहाँ पर लाना, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान के यहाँ के भारतवासी के साथ अन्याय है, एक विदेशी सरकार के स्वभाव, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। यह धरना उस संघर्ष का आरंभ है। आपको बहुत बहुत
बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं, भगवान आपको निश्चित रूप से सफलता देगा। मैं बधाई देता हूं फिर से श्याम बिहारी जी को, घनश्याम जी को, उनके सब साथियों को। यहाँ पर सब हमारे प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठे हैं, विजय गोयल भी बैठे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ इस संघर्ष को आरंभ करने।